नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। इस कंपनी में अभी अगर देखेंगे 2-3 दिन से 200 डे का मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, तो ये स्टॉक में गिरने का जो सिलसिला है अभी कहाँ तक गिर सकता है ये स्टॉक, और अगर आपको पोजिशन बनाना है तो कौन सा लेवल पे पोजिशन बनाना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, उस बेस पे आप उस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज अगर देखेंगे आज के दिन में दो वीडियो अपलोड हो चुका है, एक मारुति सुजुकी है, अगर आपके पोर्टफोलियो में मारुति सुजुकी है तो आपको कहाँ तक लेके चलना चाहिए उसका टारगेट, और एक किलपेस्ट इंडिया है, ये स्टॉक के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे यहाँ पे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, ये जो स्टॉक है एक 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी की अगर बात करेंगे यहाँ पे 11.7 पी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। स्टॉक का अगर आरओसी के बारे में बात करेंगे 23 का आरओसी है, प्रमोटर प्लेस 0 है, प्रमोटर का होल्डिंग की बात करेंगे तो 58.9% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। अगर डेट के बारे में बात करेंगे 0.52% का डेट है स्टॉक में। अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे यहाँ पे 315 ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 200 रुपये में, तो मतलब 206 रुपीज में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर एक कंपनी का कारोबार देखेंगे किस फील्ड में काम करता है, एक्चुअली टेक्सटाइल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है कंपनी। ये कंपनी का कुछ दिन पहले भी एक्विजिशन हुआ था, न्यूज भी आया था, आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, इसका वेबसाइट भी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसका वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, और इसका जो प्रेजेंस है ग्लोबल प्रेजेंस से बहुत बेहतरीन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे ये जो कंपनी है यहाँ पे देखिए, द कंपनी इज मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द बेडशीट एंड बेड लाइन्स। यहाँ पे अगर आप ये आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे, जो इनका ग्लोबल प्रेजेंस है यहाँ पे आके आप देखिए, यहाँ पे जो कंपनी है 50 कंट्रीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, उसके साथ में 6 कॉन्टिनेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कंट्री है, यहाँ पे न्यूयॉर्क को भी सप्लाई करते हैं, उसके साथ में यूके, दुबई, यहाँ पे काफी सारे कंट्री को, यूएसए है, यूके, ये सब कंट्री को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर डोमेस्टिक में यूज देखेंगे तो ओनली 5% हमारे डोमेस्टिक यूज होता है, एक्सपोर्ट में 95% का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्विजिशन की बात करेंगे, कंपनी का अभी एक्सपेंशन हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एक्विजिशन हुआ है 2021 यहाँ पे डिसम्बर में, तो एक्विजिशन हुआ है GHCL कंपनी के साथ में एक्विजिशन हुआ है, जो कि 576 करोड़ के साथ में एक्विजिशन हुआ है। तो ये भी एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ में है एक्विजिशन हुआ है, ये कंपनी में बहुत के पोटेंशियल है। और एक इसका जो चार्ट पैटर्न है, एक बार इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में अभी रिजल्ट भी आया है, तो रिजल्ट में यहाँ पे दिसंबर 2020 को जो रिजल्ट था 792 करोड़ का रिजल्ट देखने को मिला था सेल्स में। अभी अगर दिसंबर 2021 को अगर देखते हैं यहाँ पे 787 का सेल्स देखने को मिला है, तो सेल्स में तो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, फ्लैट रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट में एक डिक्लाइन जरूर नजर आ रहा है, यहाँ पे 93 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट दिसंबर 2021 को, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे 71 करोड़ का प्रॉफिट में गिरावट नजर आ रहा है, जो कि 71 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में साफ डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है, अगर ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे यहाँ पे भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 331 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अगर हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, यहाँ पे 3,018 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स तो सबसे हाईएस्ट जो देख रहा है कि मतलब लास्ट 4 क्वार्टर में, और प्रॉफिट भी सबसे हाईएस्ट है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 2019 में यहाँ पे जरूर एक इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि 60 करोड़ तक आया था, उसी हिसाब से स्टॉक का भी रिएक्ट किया था। अगर आप स्टॉक का देखेंगे यहाँ पे देखिए 2019 के बाद में जब रिजल्ट में ऐसे ये आया था, तो स्टॉक कहाँ तक यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ पे 30 रुपीज तक आ चुका था। उसके बाद में कोरोना में फिर से यहाँ पे गिरावट आया, स्टॉक यहाँ पे 28 तक आ चुका था, लेकिन स्टॉक में जब शार्प रिकवरी आया तो यहाँ पे 300 तक जा चुका था स्टॉक। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1-2 साल में यहाँ पे 10 टाइम्स रिटर्न दे चुका था ये स्टॉक। अगर हम ये स्टॉक में देखेंगे आज को 10 साल पहले इसका प्राइस क्या था, देखिए अभी 1.94 रुपीज प्राइस पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे 200 रुपये का रिकमेंडेशन एवरेज स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है। तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन वोलाटाइल बहुत है, बहुत बहुत वोलाटाइल स्टॉक है। ठीक है, अगर हम इसी में रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व तो बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए 2019 को 935 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था, उसके बाद में 947 करोड़ का रिजर्व है, उसके बाद में यहाँ पे 1245 करोड़ का रिजर्व है, उसके बाद में 1400 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन रिजर्व के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 349 करोड़ का बोरोइंग है, उसके बाद में यहाँ पे 572 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 745 करोड़ का बोरोइंग है, तो यहाँ पे 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है। फ्रेंड्स इसी हिसाब से पैरामीटर तो सही है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर की बात करेंगे, 58% का प्रोमोटर का होल्डिंग है, एफआई के पास में भी अच्छा सा होल्डिंग है जो कि 9% है, लेकिन डीआई के पास में स्टॉक का होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास में 31% का होल्डिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी अगर रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट में तो यहाँ पे 23% का साफ डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर है ये स्टॉक में, देखिए अभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है, एक बढ़िया सा करेंट वैल्यू जो है, यहाँ पे लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। मतलब अभी एंट्री के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्री पॉइंट भी गुड बता रहा है, लेकिन इसमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है वो चॉइस आपका रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं स्टॉक में फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज पूरा मतलब जबरदस्त तरीके से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो मैसिव वॉल्यूम नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम के साथ में ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। लेकिन स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना, स्टॉक बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टॉक जब भाग रहा था ना, यहाँ पे कितना परसेंटेज का करेक्शन आया था, देखिए यहाँ पे 33% का करेक्शन आया था, ठीक है। अभी का अगर हम टाइम पे देखेंगे कितना परसेंटेज का करेक्शन आ चुका है स्टॉक में, अभी स्टॉक में 34% का करेक्शन आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे एक बार एक टाइम पे ये स्टॉक में कितना परसेंटेज का करेक्शन था वो जरूर देखिए, स्टॉक जरूर वोलेटाइल स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरोना टाइम पे जब स्टॉक क्रैश होके यहाँ पे 2016 से लेके जब 2016 पे ऑल टाइम हाई अचीव किया, उसके बाद में स्टॉक में 91% का करेक्शन आ चुका था, ठीक है ना। इतना बड़ा क्रैश हो चुका था स्टॉक, ठीक है। इसके लिए हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तो कितना बड़ा सा यहाँ पे क्रैश हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी अच्छा था, फिर से ऑल टाइम हाई अचीव किया। लेकिन अगर किसी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, अगर उन्होंने यहाँ पे बाय किए, मैं तो उनको बोलूंगा कि अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अभी भी अगर आपने यहाँ पे बाय किए हैं तो आप अभी भी प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। 600% का प्रॉफिट में होंगे, नहीं तो अगर इसमें 100-200% अगर प्रॉफिट में है, मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, तो मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज है, अगर आप लॉस में है, स्टॉक लॉस में सेल करने वाला स्टॉक नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर पिछला परफॉर्मेंस में देखेंगे, पिछला परफॉर्मेंस में भी बहुत बढ़िया सा ग्रोथ नजर आया है और कंपनी का एक्विजिशन भी चला है, तो इसलिए अगर आप लॉस में है तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा आपका रहेगा, ठीक है ना। इन्वेस्ट में इसमें बाय करना है या सेल करना है वो डिसीजन आपका रहना चाहिए। अगर इस स्टॉक में देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2014 से लेके अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंटेज का ग्रोथ आया, जरूर देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके 2014 से ऑल टाइम हाई तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर्स में ये स्टॉक में 32 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ है स्टॉक में, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से 3200% का रिटर्न दिया है ओनली 2 ईयर्स में। तो ये स्मॉल कैप का कमाल होता है, जो स्मॉल कैप स्टॉक होता है तो भागता तो बहुत तेजी से भागता है, अगर गिरता भी बहुत तेजी से गिरता है, ये चीज आपको नजर में जरूर रखना है। अगर कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारे चीज भी आपको बिल्कुल नजर में रखना है, क्योंकि मैं भी स्मॉल कैप काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब स्टॉक गिरता भी है 30-40% गिरता है, ठीक है ना, ये जेन्युइन बात है। मेरे पास में भी ऐसा स्टॉक है जो कि 30-40% क्रैश हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको होल्ड करके चला हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, वैभव ग्लोबल मेरे पास में भी है, 40% लॉस में भी मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा, मुझे कंपनी अच्छा लगता है मैं होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आखिर ये स्टॉक आपको मेरे हिसाब से अगर आप लॉस में हैं तो होल्ड कीजिए, अभी फ्रेश बाइंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास में है, पहले से आपने बाय करके रखे हैं, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है तो गिरता है तो थोड़ा सा काफ़ी भी गिर सकता है। यहाँ पे जो अगर फ्रेश बाइंग आपको करना है, ये लेवल तक जरूर आप इंतजार कीजिए, ठीक है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल का जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, हो सकता है अगर गिर ये लेवल तक जरूर आ सकता है, 170 का लेवल तक।
अगर 170 का लेवल पे मिलता है थोड़ा सा आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर लीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।